अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम टिंडे पकाने वाले हैं, वो भी भरवा भरवा टिंडे के लिए थोड़ा सा डिफरेंट और स्पाइसी मसाला होगा, मज़ेदार भरवा टिंडे के लिए हमने यहाँ देखें छोटे बड़े टिंडे सारे लिए हैं। इसके हमने अंदर से बीज निकाल दिए हैं, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करना है। यहाँ हमने बेसन भून के रखा हुआ है और यहाँ हमने प्याज ज़्यादा लिए हैं, दो तीन, तो इससे ग्रेवी बनेगी। देखिए पहले हम टिंडे फ्राई करते हैं। दो तीन मिनट के लिए हमने टिंडे फ्राई करने हैं, इसे करके सारे डाल देते हैं। इसका अचार ही फ्लेवर आएगा मज़ेदार सा। हाँ, तो मसाले में थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आएगा स्पाइसी का। और ये देखें, हम दो तीन मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हाँ, तो बेसिकली इसकी जो ग्रेवी होगी वो सादा होगी और इसका एक्स्ट्रा फ्लेवर आएगा, जो सब्ज़ी की तरह हमारी सब्ज़ी में पकने से ग्रेवी में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, मज़ेदार। तो रेसिपी स्टार्ट करते जाएंगे हम। तो देखिए हमारे फ्राई हो रहे हैं अभी। देखिए इसमें हमने राई दाना लिया है, कलौंजी लिए और ये अचार मसाला लिया है, क्योंकि हम अचारी स्टाइल में बना रहे हैं। हाँ, तो हमने टमाटर लिए हैं, आधा किलो हमारे टिंडे हैं। तो अब ये देखेंगे, इसको हम निकाल के फिर इसको हम भरेंगे। अच्छा, अचार में अचारी मसाला जो हम इसमें डालेंगे, ये देखें बेसन हमने भुना हुआ है ना, तो इसमें हमने क्या मिलाना है, राई दाना, सॉरी इसमें हमने क्या मिलाना है, अनार दाना। अच्छा देखें, हमने ये टिंडे निकाल लिए। अच्छा, जो बच्चे टिंडे नहीं खाते ना, तो फिर ये आप इस तरीके से रेसिपी बनाएँ तो वो सब खाएँगे, ऐसे लगते उनको रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखिए, हमने प्याज इसी ऑयल में फ्राई कर लिया, आधा कप हमने ऑयल लिया था। और इसको टिंडों को काटने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप कटर से, ये छोटे जो कटर होते हैं ना, किसी का सही होता है किसी का नहीं होता, छुरी से थोड़ा ज़्यादा कट जाता है। और तो देखिए, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए ना, तब आप इसमें राई दाना और ये कलौंजी डालना। और जो टमाटर हमारी कटिंग हुए हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए ज़रा ना। तो जब तक हमारी प्याज होती है तब तक हम इसमें ये अनारदाना हमने कूटा हुआ था आधा चम्मच ये डाल देते हैं हम। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल करें, सब्सक्राइब करें, ओके। हाँ, तो अब इसमें हमने जो मसाले ऐड करने हैं, इसमें हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अचार का मसाला जो हमने पैकेट मंगाया था, अचार का मसाला। हाँ, तो देखिए अचार का मसाला हम डाल देते हैं इसमें। चलो, अच्छा तो देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की सी हो गई है, तो अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। साथ में ये राई दाना और कलौंजी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में गरम मसाला ऐड कर देते हैं थोड़ा सा क्या था। तो साथ में ये जो हमने गूदा निकाला था ये डाल देते हैं। तो देखें अब इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। देखें आराम आराम से, वाओ, वन बाय वन रेसिपी फॉलो करनी है। तो ये देखें, हाँ तो देखें अब इसमें डालते जाएंगे इसको करके।
वन बाय वन हमारी प्यारी से टिंडे तैयार हो जाएंगे। हाँ तो अब देखते हैं आप एक एक करके बाइट डालना है, जैसे बच्चों के मुंह में डालते हैं ना बाइट छोटे बच्चों के। तो वाह वाह चलिए हो गया। अब ये रह गया आखिरी का सरदार, चलो आप भी जाओ। चलो तो मसाला नहीं लगे तो थोड़ा सा पानी आप डाल दें। अच्छा तो सही है। अब ये लहसुन अदरक हमने पीसा हुआ था ये इसमें डाल के भुनाई करनी है। दो मिनट इसको भुनने देते हैं और ये जो मसाला हमारा बच गया इसको हम डाल देंगे। इसको चाहे तो आप हरी मिर्चों में डाल के भून के बना लें, बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बन जाएगी और वाह हो जाएगी। तो चलें ये भून गया और इसको रख देते हैं। अब हम अपने ये हरे हुए बैंगन डालते हैं वन बाय वन। चलो इसको ढक देते हैं। हाँ तो देखें अब अगर आपको ये बॉलें खाली नज़र आ रही हो ना टिंडे की सूरत में जो है, तो आप इसमें ये मसाला और ऐड कर सकते हैं भूनते टाइम थोड़ा थोड़ा करके। अगर नहीं नज़र आ रही हैं तो आप नहीं डालें। अगर आप कम मिर्चा खाते हैं मैं तो डाल देती हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि ये जैसे जज्ब हो रहा है ना इसमें, तो ये मैंने इसमें भी डाल दिया है, इसमें भी डाल दिया है। साथ में हम छोटे सरकार को देखते हैं। वाह चले भाई चलो जाओ जाओ जाओ। चलो अब इसको ढक देते हैं। हाँ तो देखिए मज़ेदार से टिंडे बन गए हैं। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। हाँ तो साथ में ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है ना इसमें हम ये हरी मिर्च डाल के भूनते हैं। कच्ची कच्ची हरी मिर्चों का इतना अच्छा टेस्ट आएगा, मज़ा आ जाएगा इसी ऑयल में। तो ये थोड़े से ऑयल में ही हो जाती है फ्राई। हाँ तो अब इसको निकाल लेते हैं। कच्ची कच्ची सी हरी मिर्चें मज़ेदार सी हमारी अचार ठंडे भरे हुए तैयार हो गए। चलो चलें अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। ओके हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।